लोसर में बाबा परमहंस परमानंद तपोभूमि पर ऐसा विधान दाता है जो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर जनता की सेवा में तन मन धन से जुटा हुआ है। जब से कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन जारी किया गया था, तब से सुरेश शेषवा ने सभी जन संस्थाओं को पीछे छोड़ा। उनका मानना है नरसेवा से कोई सेवा बड़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि कस्बे में कई लोग तो लॉकडाउन का फायदा उठाकर जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हर राशन सामग्री के साथ उन गरीब परिवारों के लिए रोज सुबह शाम करीब 2000 भोजन के पैकेट बनाकर उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कस्बे में कई बड़ी बड़ी सामाजिक संस्थाएं हैं, लेकिन उनका सहयोग उन गरीब परिवारों को नहीं मिल रहा है। शेषमा ने कहा कि बाबा परमानंद नगरी में कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं सोएगा। उनके साथ हेमराज कुमावत, प्रकाश शेषमा, देवीलाल बाचिया, मुकेश रुलानिया सहित कई युवाओं की टीम लगी हुई है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश ओबीसी मोर्चा उपाध्यक्ष फूलचंद कुमावत ने भी शेषमा का चादर और साफा पहनाकर सम्मान किया। हमने पिछली 22 तारीख से जब से ये लॉकडाउन लगा है, तब से लेके व्यापार धंधे खूब कर रहे थे, लेकिन हमने सोचा क्यों न गरीब आदमियों के पक्ष में कुछ किया जाए। उस दिन से हमने 10 क्विंटल आटा पिसवाया हमारे लोसर नगर पालिका सभी 25 वार्डों के लिए, जिसमें 10 क्विंटल आटा हमने वितरित भी किया, खूब बस्तियों में, खूब गरीब जगह पे पहुंचाया। लेकिन उसमें जो रियल हालात हमारे सामने आए वो इस तरह के आए कि जिनको जरूरत नहीं है उन्होंने 50-50 बैग ले लिए, और जिनको जरूरत है उनके दो ही नहीं पहुंच पाए। इसलिए फिर हमने ये फैसला दूसरे हिसाब से लिया और हमने ये तय किया कि क्यों न आज से हम पिछली 24 मार्च से पूड़ी और सब्जी बना के अपने पूरे वार्डों में अपने पूरे लोसर परिवार के लिए सप्लाई देंगे। तब से हमने ये काम हमारा शुरू किया है। किसी भी आर्थिक सहयोग, किसी से कुछ भी लेने के, आर्थिक सहयोग जब हमने लिया है तो सिर्फ और सिर्फ इतना हमारी युवा टीमों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने आज तक इतना अपने मन और तन की इतनी सेवा की।